तो रविवार को होगा वर्ल्ड कप फाइनल फ्रांस और क्रोएशिया के बीच. नाउ टूर्नामेंट शुरू होने से पहले फ्रांस अमंग्स द फेवरेट टीम्स मानी जाती थी, लेकिन क्रोएशिया पर किसी का ध्यान नहीं था कि ये टीम फाइनल तक पहुंचेगी. जी हाँ, ठीक है, फर्स्ट स्टेज को पास कर लेगी, शायद राउंड ऑफ 16 में आ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है किसी ने ये भी उम्मीद किया होगा कि क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी क्रोएशिया. लेकिन पहुंच गई, ना सिर्फ क्वार्टर फाइनल में लेकिन फाइनल में. और उसकी खास वजह मेरे ख्याल से ये है कि दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है. अगर आप टीम्स देखें जैसे ब्राज़ील, अर्जेंटीना, स्पेन, इंग्लैंड, जिनको क्रोएशिया ने हराया सेमीफाइनल में, ये टीम्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो आप कहते हैं ना कि बहुत ही उम्मीदें थी ऐसी टीमों से, और ये प्रेशर जो है प्लेयर्स को तोड़ देता है. यहाँ पर हम क्रोएशिया के साथ देख रहे हैं कि ये प्लेयर्स को और उत्साहित कर दिया है, उनको और अच्छा खेलने पे और अच्छा खेल रही है क्रोएशिया की टीम प्रेशर में आके. अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें पीछे, जब इंग्लैंड और क्रोएशिया का सेमीफाइनल होने वाला था तो पूरी वेस्टर्न मीडिया जो है, खासकर के इंग्लिश की प्रेस, उन्होंने ये कहा था कि क्रोएशिया को कोई चांस नहीं है क्योंकि इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छा खेल रही है, क्रोएशिया थक जाएगी, इंग्लैंड के फॉरवर्ड उन्हें नचा नचा के हैरान कर देंगे. लेकिन उसका उल्टा ही हुआ. पहले के 10-15 मिनट गेम में ऐसा लगा कि इंग्लैंड जो है बहुत अच्छा खेलेगी, एक गोल से आगे भी बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद क्रोएशिया की जो वापसी हुई और खास करके सेकेंड हाफ में पूरा डोमिनेट किया क्रोएशिया ने. अब फ्रांस और क्रोएशिया के बीच जो है टक्कर, मेरे ख्याल से ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा अच्छी टीम फ्रांस है. और फ्रांस की माहिरत ये है, उनकी खासियत ये है कि बहुत ही टैक्टिकल गेम खेलती है फ्रांस. सेमीफाइनल में बेल्जियम के खिलाफ हमने देखा, बल्कि बेल्जियम की प्लेयर्स की ये शिकायत थी कि फ्रांस ने बहुत ज़्यादा डिफेंसिव खेला था. लेकिन टैक्टिकल प्ले में आपको कभी कभी डिफेंस करना पड़ता है. खासियत थी फ्रांस की, जब वो फॉरवर्ड मूव करते थे तो बड़ा ही क्रिएटिव उनका मूव्स रहता था. शॉर्ट पासिंग है, क्रॉस करते हैं, लंबे पास देते हैं, तेज़ उनके पास हैं फॉरवर्ड जैसे मबाप्पे. एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जीतने की आदत ज़्यादा है प्लेयर्स में जो लीग्स में खेल रहे हैं. ये सब बताता है कि फ्रांस जो है वो फेवरेट शुरू होगी. लेकिन जैसे हम जानते हैं स्पोर्ट में कि अंडरडॉग पे, जैसे क्रोएशिया पे प्रेशर ना सेमीफाइनल में था ना क्वार्टर फाइनल में, प्रेशर जो है ज़्यादा फ्रांस पे रहेगा. क्या ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकेगी, क्या इसे उठा सकेगी फ्रांस की टीम, या क्रोएशिया जो है, क्योंकि अब तक उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहा है, छोटा सा मुल्क है, अगर प्रेशर होगा भी तो पूरी दुनिया को पता नहीं है. मुझे लग रहा है कि इस वजह से क्रोएशिया ज़्यादा खुल के खेलेगी. ऑल इन ऑल सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि कांटे का टक्कर हो और वर्ल्ड कप फाइनल जैसा होना चाहिए वैसा हमें देखने मिलेगा.